एकादशी पर बाबा श्याम का विशेष फूलों से श्रृंगार किया गया। बाबा श्याम जन कल्याण के लिए सुबह करीब 9:30 बजे से ही नगर भ्रमण पर निकले। रथ को भी विशेष तौर पर सजाया गया था। इस रथ यात्रा में काफी श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब था। यहाँ बाहर से आए श्रद्धालु तो थे ही, लेकिन आसपास के गांव से भी इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी। फाल्गुन एकादशी पर अलौकिक रूप में बाबा श्याम ने लोगों को दर्शन देकर अभिभूत कर दिया। एकादशी पर बाबा की 5 आरती होती है, चौला बदला जाता है, दिन भर मंदिर के कपाट खुले रहते हैं। बाबा श्याम के श्रृंगार के लिए करीब 20 किलो कार्नेशन फूल, लाल गुलाब व सफ़ेद फूल मंगाए गए थे। एक दिन पहले ही बाबा के श्रृंगार के लिए कारीगरों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। श्याम मंदिर ट्रस्ट की ओर से रथ यात्रा से पहले बाबा श्याम को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। यह भोग मंदिर परिसर में ही तैयार कराया जाता है। 56 भोग के लिए नए बर्तन खरीदे जाते हैं। इन बर्तनों को दोबारा से इस्तेमाल नहीं किया जाता। भोग अर्पित करने के बाद इन बर्तनों को भक्तों या जरूरतमंद लोगों में बांट दिया जाता है। देश भर से बाबा श्याम के भक्त 10 दिनों के लिए खाटू में आते हैं। डॉक्टर, व्यापारी, इंजीनियर से लेकर बिल्डर व अन्य शामिल होते हैं। मंदिर में बाबा के भक्तों की सेवा करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर भंडारे चलाते हैं। इतना ही नहीं, मंदिर में झाड़ू लगाने से लेकर पूरी साफ सफाई भी करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए पानी की भी व्यवस्था करते हैं। रिंगस से खाटू तक सड़क वन वे है। इस सड़क पर बाबा श्याम के भक्त ही ध्वजा व निशान लिए नजर आ रहे हैं। पूरी सड़क पर बाबा के जयकारे गूंज रहे हैं। इसी मार्ग पर बाबा श्याम की 40 से ज्यादा धर्मशालाएं हैं, जहां पर बाबा के भंडारे चल रहे हैं। धर्मशालाएं भी फुल हो चुकी है। लोगों को यहां रुकने के लिए कमरे तक नहीं मिल रहे।